ओम शांति। प्यार भरा नमस्कार सभी को। आर्ट ऑफ ब्रीदिंग सीरीज के सेवंथ एपिसोड में आज मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम की पूरी विधि व इसके अद्भुत लाभ के बारे में बताऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे से लिया गया है। हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने योगासनों के नाम व प्राणायाम प्रकृति व पेड़ पौधे पशु पक्षियों के नाम पे रखे हैं बहुत सारे। तो इसमें भी क्या है, भंवरे की तरह गुंजन होता है और इस गुंजन से हमारे ब्रेन में एक होली हमिंग, एक ऐसी वाइब्रेशंस पैदा होती है जिस वाइब्रेशन से हमारे शरीर में फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों ही लेवल पे इससे अद्भुत लाभ मिलता है। लाभ की बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम करने से जो आजकल हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रखा है स्पेशली वुमेन्स में, उसमें क्या होता है 15 से 20 साल की जो गर्ल्स हैं उनमें प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मेनोपोज के दौरान उससे क्या होता है पीसीओडी की समस्या काफ़ी हो रखी है या दाढ़ी आ जाती है कईयों को, इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम है, इसका करना चाहिए। दूसरा इसका लाभ है ये स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इससे अद्भुत लाभ मिलते हैं। बहुत सरल है, इसको करना बहुत ही ईजी है। अगर हम इस प्राणायाम का अभ्यास 3 से 21 बार लगातार हर रोज़ करने लग जाते हैं तो मन को बड़ी शांति सुकून मिलता है और इससे जो है तनाव से मुक्ति का बहुत ही सरल ये तरीका है। रात को किसी को नींद नहीं आती है तो नींद ना आए इसके लिए गोली खाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाक में 2-2 बूंद गाय का घी डालें और बिस्तर पर जाने से पहले आप बैठकर या बिस्तर पर ही बैठकर आप जो है धीरे धीरे लगातार आप जो है इसका 21 बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो सपने भी नहीं आएंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इसका अगला लाभ है इससे जो है जैसे मैंने बताया हार्मोन इम्बैलेंस दूर होता है तो इससे थायराइड की अगर किसी प्रॉब्लम है तो उस थायराइड की समस्या, क्योंकि इससे जो है हमारे पूरे सिर थर्ड आई चक्रा पे और हमारे थ्रोट चक्रा पे इससे प्रभाव पड़ता है जिससे थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर होती है। तो 21 बार जो है दिन में 3 बार अभ्यास करेंगे अगर किसी को भी थायराइड है तो इससे बड़ा इससे लाभ मिलेगा। अगर किसी को सिरदर्द व माइग्रेन का पेन रहता है तो उनके लिए भी ये जो है बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, तो उनको भी ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे क्या है भंवरे की तरह गुंजन होती है, उस गुंजन से क्या होता है हमारे जिनको भी ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम को ENT का डॉक्टर कहेंगे, क्योंकि इससे नाक कान और गले के दोष इससे दूर होते हैं। तो ये जो है लाभ मिलता है। मानसिक डिप्रेशन हो, एपिलेप्सी हो, चाहे कोई को भी किसी भी तरह का मानसिक रोग हो तो उसमें अगर इसका जो है हम हर रोज़ प्राणायाम को करने लग जाएंगे तो उससे अद्भुत लाभ हमें मिलता है। कंसंट्रेशन पावर बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। जैसे जैसे आप करते हैं बड़े ही लगातार आनंद के साथ इसको करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा, शांत हो जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ती है। इससे जो है ब्रेन को जो वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन से क्या होता है ब्रेन की पावर बढ़ती है, लंबा होता है और प्राण सूक्ष्म होता है। जिनको पार्किंसन है पार्किंसन के रोग में भी इससे लाभ मिलता है। तो ये तो थे इसके अद्भुत लाभ। अब इसको करना कैसे है देखिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, आप ये बंद रखें। गलती इसमें कहाँ करते हैं, अंगूठे को कान में यहाँ ऐसे दबा देते हैं, लगा लेते हैं। अंगूठे को कान में नहीं लगाना, अंगूठे से कान को ऐसे दबाना है इसमें, ये ध्यान रखें। और इसमें फिर जो है जैसे बाबा रखते हैं एक उंगली को माथे पे, 3 उंगलियों को आंखों पर, ऐसे इस तरीके से ऐसे आप रख सकते हैं इसमें हाथों को।
इसमें जो है जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, उन्होंने सिखाया उंगली से जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको जो है आप ऐसे दबा दें। और दबाने का अर्थ ये होता है आपको बाहर की साउंड, अंदर का जो ब्रह्मनाद है वो आपको सुनाई देना चाहिए। पूरा ध्यान आपने वाइब्रेशन पे और गुंजन पे रखना होता है, उससे ही लाभ मिलता है। तीसरा, भारतीय संस्थान के अनुसार इसमें जो है हम अंगूठे से दबाएंगे, दो उंगलियों को आंखों पे और दो उंगलियों को होठों के ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और जो सबसे क्लासिकल वे में है, बिल्कुल हाथों को नीचे करके, जैसे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने अपना मानसिक ध्यान उस गुंजन पे और पर रखना है। तो देखिए इसको अभी शुरुआत करते हैं हम। इसमें क्या है, हमने लंबा श्वास लेना है और लंबा ही श्वास छोड़ना है, भवरे की तरह गुंजन करते हुए। जीभ को ऊपर तालू की ओर लगा लेना है मोड़ के, जबड़े खोल के रखना है, दबाना है इसमें नहीं है। दबा लेंगे तो प्रेशर आपका थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, अगर आप जबड़े को खोल के रखते हैं तो प्रेशर हमारा पूरा थर्ड आई और जो है हमारा इस सहस्त्रार चक्रा पे जाएगा। देखिए विधि देख लेते हैं एक बार। बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक श्वास भरेंगे, ये देखिए, इसमें जो गुंजन है वो रिदम में करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, लगातार आपने करना है, रुक रुक के नहीं करना है। जैसे 3 बार 5 बार किया तो जितनी 11 बार ही आप इसको करें। अगर आपको रात को सोने से पहले या सुबह करते हैं, शांत माहौल में करते हैं, तो इसका लाभ इससे डबल मिलता है। और जैसे ही हमारी मानसिक अवस्था क्या होनी चाहिए, हमारा पूरा थर्ड आई पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसे थर्ड आई एक्टिवेट होती है। पूरा हमें जो है आंखें बंद करके अपने आप को आत्मा रूप में देखना है, आत्मा को देखने का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा रूपी सितारा, ज्योति, बिंदु, प्रकाश पुंज, इस दोनों आंखों के बीच चमक रहा हूँ, उस पर अपना ध्यान लगाना है। और हर ब्रीदिंग के साथ, हर जो है गुंजन के साथ आपने अनुभव करना है कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा ब्रेन पावर बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, सिर के दर्द है वो समाप्त हो रहे हैं, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है। तो इस भाव के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसे लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, मस्त रहें।